वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 10 फरवरी को पूरे देश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज का लाइक 500 है, हम उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, उत्तर भारत में फिर बदल रहा है मौसम। कई राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। येलो अलर्ट जारी, यूपी के 32 जिलों में अलर्ट। आंचलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली की गरज चमक के साथ मामूली बारिश भी होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, संभल, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, रामपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिले में मामूली बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार रात से बुधवार तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश बर्फबारी के भी आसार है। IMD ने उत्तर भारत में 9 फरवरी को बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की आशंका है। आने वाले 24 घंटों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में हल्की गरज के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। IMD की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी ओडिशा में 9 और 10 फरवरी को बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में भी बुधवार को बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना। वही मौसम विभाग ने 9 और 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने की आशंका है, जबकि उत्तरी कश्मीर में मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पारा 0 से 7.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने की आशंका जताई गई है और बारिश से बढ़ेगी ठंड। IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 9 और 10 फरवरी को कुछ राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD ने बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड होने की भविष्यवाणी की है। 9 फरवरी की रात के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज और बिजली गिरने के साथ काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। कई राज्यों में अलर्ट। 9 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में गरज और बिजली के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसमें सरगुजार, बिलासपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह राजस्थान के ऊपर बन रहा चक्रवाती घेरा बना हुआ है। शीतलहर का दूसरा दौर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ बरसात की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की माने तो 9 और 10 फरवरी को सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की बरसात की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर 8 फरवरी को एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बन रहा है, जिसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी आने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के मौसम में 9 फरवरी से परिवर्तन हो सकता है। यहां 9 फरवरी की देर शाम या रात्रि से तथा 10 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 9 फरवरी को सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में तथा 10 फरवरी को सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग तथा दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में स्थित जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताजा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।